सुनाते हैं इस वक्त अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। 70 साल से इंतजार कर रहे थे, हमने 6 महीने में कर दिया, तो इसमें बुराई क्या है? सर आरोप तो ये है कि एक समुदाय विशेष को ही सीएए से आप लोगों ने बाहर कर दिया और वही विरोध हो रहा है। आप देखिए, मुझे लगता है इतना लंबा विस्तार करने के बाद भी अगर आपका ये सवाल आता है तो मुझे एक बार फिर कहना पड़ेगा, जब युगांडा से हिंदुस्तानी आए या हिंदू आए तो उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया, श्रीलंका से तमिल आए तो उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया, समय समय के अनुसार अलग अलग समय प्रावधान किया गया, 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए प्रावधान किया गया, किया कि नहीं किया? किसने किया था? इंदिरा जी ने किया। ये तो सब उस समय हुआ जब कांग्रेस की सरकारें थी। आज हमने भी प्रावधान उनके लिए किया जो 70 सालों से हिंदुस्तान में आए। कौन आए? जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं। कौन है वहां पर? मेजॉरिटी में कौन है? मुसलमान है। क्यों है? क्योंकि इस्लाम धर्म के नाम पर वहां के देश का संविधान बना है। और अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं। तो जब ये अल्पसंख्यक वहां पर, इनको प्रताड़ित किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तो कहां जाएंगे साहब? हिंदुस्तान ही आएंगे, अमेरिका वाले नहीं लेंगे, इंग्लैंड वाले नहीं लेंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के लोगों से सवाल पूछता हूं, आप सब अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, जापान जाइए, क्या आपको ले लेंगे? लेगा कोई? उन देशों के भी नागरिकता कानून बने हैं, उसमें भी लिखा है कि आपको आपके देश में माइनॉरिटी के नाते धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। किसी में ये लिखा हो, किसी में कुछ और लिखा होगा। तो हमने भी अपने देश का नागरिकता कानून बनाया है, इसमें बुराई क्या है? मुसलमान के लिए अगर तीनों देशों में मेजॉरिटी में, तो उसको तो कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा, उनकी तो जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है। यहां तक कि मुसलमान की जनसंख्या हिंदुस्तान में भी बढ़ी है भाई साहब, यहां पे कम नहीं हुई। इसका मतलब हमने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों को पूरे हक दिए हैं। लेकिन नेहरू और लियाकत का समझौता जो था वो पाकिस्तान में तो नहीं माना गया, हिंदुस्तान ने पूरा निभाया। वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या 30% से कम होकर 3% रह गई। क्यों रह गई साहब? क्यों रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं, क्यों पाकिस्तान में हिंदुस्तान के नागरिकों की संख्या कम होकर 30% से 3% रह गई? सर एक और चीज है कि आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, राजघाट पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, 2 बजे धरना प्रदर्शन होगा, उसमें तमाम जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सभी धरना पे बैठ रहे हैं सीए को लेकर के और जो हिंसा हुई है उसको लेकर के। मैं सोनिया गांधी जी से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत तेज तरार नेता मानी गई, इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, राजेंद्र प्रसाद जी, या कांग्रेस पार्टी का अपना जो रेजोल्यूशन 1947 में पास किया गया, क्या आज की सोनिया गांधी, आज की कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है कि नहीं है? देश के लिए बताएं, सहमत है कि नहीं है? या वो झूठ बोलते थे या सोनिया गांधी झूठ बोलती हैं? और सोनिया गांधी जी देश को बताएं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी की नागरिकता लेने का एक भी ऐसा कानून है? और तीसरा मेरा उनसे सवाल है, एनआरसी राजीव गांधी ने लाने की बात कही थी, क्या सोनिया गांधी कहती हैं लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? और इन्हीं की सरकार ने कहा था कि जो भी धर्म जीतेगा या धर्म के जो लोग केस लड़ रहे हैं, जो जीतेंगे, हिंदू सिख, हिंदू या मुसलमानों में से जो भी जीतेगा उसको मस्जिद या मंदिर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी, तो क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इनकी सरकार ने कानून बनाया, हमने थोड़ी बनाया। धन्यवाद जी मीडिया से। धन्यवाद।